हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मूवी वाला। दोस्तों, ऋतिक रोशन को ऑफ़र हुआ था ब्रह्मास्त्र 2 में एक रोल के लिए, लेकिन ऋतिक रोशन ने अब उस रोल को रिजेक्ट कर दिया है। तो भाई, ऐसा तो क्या हो गया जो ऋतिक रोशन ने रिजेक्ट कर दिया ब्रह्मास्त्र 2 को, और क्या बोला ऋतिक रोशन ने, ये सारी बात जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही ऋतिक रोशन के बारे में जानने के लिए। दोस्तों, आप सब जानते हैं ब्रह्मास्त्र 3 पार्ट में बनेगा और अभी पार्ट 1 भी नहीं आया है और अभी से पार्ट 2 का बात शुरू हो चुका है। आपको बता दूं दोस्तों, तीनों पार्ट में शिवा यानी शंकर भगवान का अलग अलग रूप होगा, जिसमें से पार्ट 1 में शिवा का रोल कर रहे हैं रणबीर कपूर। तो वहीं पार्ट 2 के लिए ऋतिक रोशन को ऑफर किया गया था शंकर भगवान यानी शिवा का रोल के लिए। जी हां दोस्तों, आपको मैंने एक महीना पहले बताया था कि ब्रह्मास्त्र 2 के लिए ऋतिक रोशन को ऑफर हुआ है, लेकिन दोस्तों ऋतिक रोशन ने ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है। ऋतिक रोशन ने बोला है ब्रह्मास्त्र 2 एक हाई बजट फिल्म है और ब्रह्मास्त्र 2 में बहुत ही ज़्यादा VFX होगा और मेरी 3 फिल्म फाइटर, रामायण, क्रिस 4 ऑलरेडी आने वाला है और तीनों फिल्म में ज़बरदस्त VFX होगा और VFX वाली फिल्म में काम देर तक चलता है, जिसके चलते फाइटर फिल्म, रामायण फिल्म और क्रिस 4 फिल्म का काम देर तक चलेगा और ऐसे में ब्रह्मास्त्र 2 को आने में लेट हो जाएगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा ब्रह्मास्त्र 2। तो गाइज, रीज़न यही है ऋतिक रोशन की फाइटर फिल्म, रामायण फिल्म और क्रिस 4 के चलते ऋतिक रोशन ने ब्रह्मास्त्र 2 को रिजेक्ट किया है। और गाइज, आपको मैं बता देता हूँ, ये अभी कन्फर्म न्यूज़ है कि ऋतिक रोशन ने ब्रह्मास्त्र 2 को रिजेक्ट किया है। आगे दोस्तों इसको लेकर कुछ भी अपडेट आती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन दोस्तों अभी फ़िलहाल ऋतिक रोशन ने ब्रह्मास्त्र 2 को रिजेक्ट किया है। आपको क्या लगता है दोस्तों, ऋतिक रोशन ने सही किया कि गलत किया, लिखकर ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।